तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मंगा 07 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड में जो ये लड़की होती है ये कहने लगती है कि वाह यार ये वैनसंग टर्मिनल कितना प्यारा लग रहा है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं वो जो डायरेक्टर होते हैं ना, डायरेक्टर वैंग, वो आते हैं कह रहे थे कि देखो अभी बस कुछ ही टाइम हुआ है और ये वैनसंग टर्मिनल इतना प्यारा लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो बताने लगता है, कह रहा था कि देखो अभी फर्स्ट जो फेज़ है वही कंप्लीट हुआ है। वो कहने लगता है कि इसकी जो कॉस्ट है ना कम से कम 88 बिलियन की है। वो कहने लगता है कि जब सेकेंड और थर्ड फेज़ आएंगे तब तो ये और भी ज़्यादा लग्जीरियस लगेगा। अब भाई जैसे ही नॉलेज दे रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं जो सही डॉक्टर होती है वो पूछने लगती है कि अरे वाह डायरेक्टर वैंग आपको इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आई, मतलब आपको कैसे पता है ये सब। वो बताने लगता है कह रहा होता है कि देखो जो जो ये प्रोजेक्ट है ना इसमें मेरा एक दोस्त है वो काम कर रहा है। वो कह रहा होता है कि इसी वजह से मेरे को इतनी सारी नॉलेज है। वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं तुम लोगों के लिए बोट रेडी करता हूँ, फिर हम लोग जो है शिप पे जाएंगे, मतलब समुद्र में जाएंगे। ये लोग जो है एक्साइटेड हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या क्या हम सच में समुद्र में जाएंगे। अब हम देखते हैं ये बंदा कहने लगता है कि और नहीं तो क्या, अरे वैनसंग टर्मिनल होता ही सी में जाने के लिए। अभी जो है एक्साइटमेंट की तरह ये सब बोले जा रहा होता है और मतलब जो है अपनी तारीफ वगैरह कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि देखो तुम लोग जो है मेरे को फॉलो कर रहे हो तो तुम चिंता मत करो, जहाँ पे हम लोग जाएंगे वहीं पे, मतलब जहाँ पे फन होगा वहाँ पे जाएंगे। अब हम देखते हैं ये बंदा कहने लगता है कि अब बता लेनी तू मेरे से कैसे कंपेयर करेगा, मतलब मेरे को कैसे हराएगा। अभी मतलब बहुत ज़्यादा जेलस होता है इस लेनी से। फिलहाल हम देखते हैं वो देख रहा होता है अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं, अरे ये लोग जा कहाँ आ रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी जो होता है ना वो इन दोनों के साथ होता है, डॉक्टर डायरेक्टर ली और जो सायु डॉक्टर होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो सायु डॉक्टर होती है वो पूछ रही होती है कि ब्रदरलिन क्या आपको पता है स्विमिंग सूट जो है कहाँ पर मिलेगी। वो इससे जो है क्वेश्चन पूछने लगती है। तभी हम देखते हैं वो बताने लगती कह रही थी कि जो डायरेक्टर ली है ना उन्हें चाहिए, मतलब उन्हें एक अच्छा सा सेट चाहिए, उन्हें पहनना है। अब जो ये डायरेक्टर ली होती है ना ये थोड़ा मतलब शरमा जाती है और पूछने लगती है अरे मैंने कब बोला मेरे को चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, देखो लिनी को, लिनी तो एक्साइटेड ही नहीं है, हम लोग फालतू में एक्साइटेड हो रहे हैं, वो ऐसे कुछ बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं लिनी जो है इन लोगों को स्विमिंग सूट जगह पर लेके जाता है। तभी वहाँ पे सायु पूछ रही होती है ली से कि देखो मेरे को लगता है ना कि ये वाला सूट आप पे अच्छा लगेगा। बट हम देखते हैं वो जो डायरेक्टर ली होती है वो कहने लगती है कि नहीं नहीं यार इसमें मेरे जो शरीर है मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, वो इस टाइप की बोल रही होती है, कह रही थी कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज होगा मेरे को नहीं करना। हम देखते हैं फिर वो कहने लगती है कि अरे फिर देखो ना ये वाला अच्छा लगेगा। वो कहने लगती है कि अरे यार ये तो होता ही दिखाने के लिए, तो दिखाओ ना अपनी बॉडी वगैरह वगैरह बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं वो शरमा रही होती है बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं लेनी भी है एक ड्रेस को देख रहा होता है, मतलब एक सूट को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि चलो ठीक है फिर मैं ये वाला लूँगी, ठीक है। वो इससे बोल रही होती है कि हाँ ये वाला ठीक है मैं ये वाला ले लेती हूँ। अब हम देखते हैं लिनी भी आता है, वो कहने लगती है ब्रदरलिन देखो अब ना तुम्हारे देखने पर टैक्स लगेगा, ठीक है। वो कहने लगती है कि अब तुम ना पे करो, ठीक है। वो कहने लगती है कि जो देखने का जो पैसा है वो पे करके आओ। अब वो जाता है जो पेमेंट वगैरह करने जाता है, कह रहा था कि चलो ठीक है मेरे को ना ये टॉप भी दे दो मैं भी ये लूँगा। वो उनसे वो कैश वगैरह दे रहा होता है, मतलब जो सूट होता है उसके चार्ज वगैरह वही। फिलहाल हम देखते हैं वो जो है ड्रेस वगैरह चेंज करके आ चुकी होती है। अब भाई इतने प्यारे लग रहे होते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब भाई स्विमिंग सूट में तो लगता ही है। अब इन लोगों को इस ड्रेस में देख के ना जो ये बुढ़ा होता है वैंग, ये कहने लगता है कि ओ वाह इसकी बॉडी तो देखो जरा, लंबी लंबी टांगे, मतलब भाई इतना बड़ा ठरकी मैं क्या ही बोलूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो ऐसे घूरे जा रहा होता है लगातार। बट हम देखते हैं जो डायरेक्टर ली होती है ना वो अपने आप को कपड़े से ढक लेती है। वो पूछने लगती है कि अरे तुम बताओ जरा मेरे को क्यों घूरे जा रहे हो, बताओ जरा। वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। बट हम देखते हैं वो कुछ नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है लिन के पास, वो कह रही थी कि डायरेक्टर लिन अरे आपने अपनी बॉडी ढक क्यों रखी है, क्या आप दिखाना नहीं चाहते अपनी बॉडी, बताओ जरा। वो लिन से पूछ रही होती है। बट हम देखते हैं वैंग आता है, कह रहा था कि अरे तुम लड़की तुम्हें पता नहीं है क्या, ये इस बंदे की जो है पेट मतलब बाहर निकल रखा है और इसकी बॉडी अच्छी नहीं है इसलिए ये दिखाना नहीं चाहता। अब वो लिनी को मतलब नीचे गिरा रहा होता है। बट हम देखते हैं वो पूछने लगते हैं बाकी जो लड़कियाँ होती हैं, कह रही थी अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, डायरेक्टर लिन की तो मतलब पेट ही नहीं है, उनकी तो बॉडी बहुत ज़्यादा फिट है, अरे हाँ उनके पास तो सिक्स पैक होंगे। तभी हम देखते हैं ये सारी जितनी लड़कियाँ होती हैं ना वो कहने लगती है डायरेक्टर लिन चलो अपने आप को एक्सपोज करो वगैरह वगैरह बोलने लगती है, कह रही थी चलो कपड़े उतारो जल्दी जल्दी। अब बेचारा लिनी परेशान, कह रहा होता है कि भाई ये क्या हो गया, अब बेचारा करे तो करे क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो बैठता है तसल्ली से और जो है अपने कपड़े वगैरह उतारने लगता है। अब हम देखते हैं उसकी जो बॉडी होती है ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है और सिक्स पैक वगैरह आ रहे होते हैं, यार सिक्स पैक तो मेरे भी आ रहे हैं वैसे ऐसी बात नहीं है। बट हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है वाओ यार इसके एब्स देखो जरा, इसकी बॉडी ओ माय गॉड कितने ग्रेट है यार। अब सारी सारी यहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रही होती है कि यार इतनी हॉट बॉडी देखने को मिल रही है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी की बॉडी देख के ना वो बंदा भी वो बहुत ज़्यादा जलने लगता है। तभी लिनी कह रहा था कि देखो ना मैं मतलब दिखावे में बिलीव नहीं करता। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि मतलब बीच का सीन दिखाई देता है जहाँ पे बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये लोग जो है धूप वगैरह सेक रहे होते हैं। अब जो डायरेक्टर ली होती है वो सनसेट का मजा ले रही होती है, बाकी दो चार लड़कियाँ जो है वॉलीबॉल खेल रही होती है। तभी हम देखते हैं लिनी आ रहा होता है। अब जो सायु डॉक्टर होती है ना वो इसके पास आती है, कह रही थी कि ब्रदरलिन आखिर आप करके आ रहे हो बताओ जरा। अब हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि नहीं मैं कुछ नहीं मैं बस अभी आ रहा हूँ घूम घाम के। वो कह रहा था कि तुम लोग एंजॉय करो मैं बस आया अभी घूम घाम के। बट हम देखते हैं लिनी जो होता है वो ऑफिस के अंदर आता है, मतलब वैंग जो टर्मिनल है ना उसके ऑफिस में आता है।
अब उसका जो मैनेजर होता है ना, वो कह रहा था कि अरे वाह मिस्टर लिन, आप यहाँ पर बताओ, आप अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए हो। अब वो पूछ रहा होता है कि आपको बोट वगैरह चाहिए, मतलब बोट की प्रिपरेशन वगैरह चाहिए एंजॉयमेंट के लिए। बट हम देखते हैं लिनी जो है मना कर देता है, कह रहा था कि नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कहने लगता है कि अरे कोई और है ना जो कि प्रिपेयर कर रहा है बोट को, यहाँ पे वो मज़े ले रहा होता है और वैंग की टांग खींच रहा था। बट हम देखते हैं वो बैठता है, कह रहा था कि चलो मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मैं मतलब देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे कैसी जो चीज़ें हैं वो कैसी हो रखी हैं, तो तुम बताओ क्या जो प्रोग्रेस है वो कैसे चल रहा है, मतलब जो वर्क है वो कैसे चल रहा है। ये बंदा बोलने लगता है कि देखो फर्स्ट जो फेज है ना वो कंप्लीट हो चुका है। और वो बोलने लगता है, कह रहा होता है कि देखो सेकंड और थर्ड स्टार्ट होगा कुछ ही दिनों में। वो कहने लगता है कि नेक्स्ट फेज जल्दी स्टार्ट हो जाएगा जैसे हमें मिलेगा, फिर ये जो वैंगसेंग टर्मिनल है ना, ये वर्ल्ड का नंबर वन बन जाएगा। लेनी कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हें येलो डिज़ाइन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? वो कहने लगता है कि नहीं अभी मेरे को तो कुछ नहीं मिला है। बट हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अभी जो है स्केच रेडी हुआ है। अब वो कहने लगता है कि जैसी डिज़ाइन आएगा ना वैसे मैं आपके पास आ जाऊँगा आपका ओपिनियन जानने के लिए। अब हम देखते हैं लिनी इससे कहने लगता है, कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। वो कहने लगता है कि देखो तुम्हें क्या लगता है कि जो बीच है मतलब जो ये समुद्र है उस पर आइसलैंड के अंदर एक बिल्डिंग बनाना आइस आर्टिफिशियल वाला, तो तुम्हें क्या लगता है ये सही होगा? वो बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा था क्या क्या बॉस आप मजाक तो नहीं कर रहे क्या, मतलब मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ सच में बता रहा हूँ। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बट हम देखते हैं लिनी हंस रहा होता है, कह रहा था कि हाँ हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बट हम देखते हैं वो सीरियस होता है उस टाइम पे। वो कह रहा था कि चलो ठीक है जब डिज़ाइन आ जाए ना तब मुझे कॉल कर देना। अब ये बोल के मतलब बाहर आ जाता है। तब हम देखते हैं वो लड़की जो होती है सायुड एक्टर डॉक्टर, वो आती है, कह रही थी कि लिन आखिर आप कहाँ चले गए थे बताओ, हम लोग आपको ढूंढ रहे थे। फिलहाल हम देखते हैं वो खाती पीती भी आ रही होती है, कह रही थी कि देखो जो डॉक्टर वैंग है ना वो उन्होंने जो बोट वगैरह रेडी करी है तो वो आपको बुला रहे हैं और हम लोगों को बुला रहे हैं मतलब घूमने के लिए। लिनी आता है, कह रहा था कि अरे हाँ मैं बस अभी घूम मतलब देखने वेखने चला गया था कुछ। अब वो आता है, कह रहा था कि ठीक है। तभी हम देखते हैं जो डॉक्टर वैंग होता है ना वो आता है, कह रहा था कि देखो डायरेक्टर लिन देखो मेरे को लगता है ना कि यहाँ पर किसी को सामान की रखवाली करने के लिए रुकना पड़ेगा। हम देखते हैं वो उससे बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो हम सब ने जो है बोट पे एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे कोई जो है एक पर्सन रुकना चाहिए। अब ये बंदा लिनी को बोल रहा होता है इनडायरेक्टली, बट हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि अरे वाह थैंक यू सो मच डायरेक्टर वैंग, आप मतलब हम सबके लिए ये सब करने वाले हो। वो कह रहा था कि चलो ठीक है फिर आप रुक जाना यहाँ पे, हम लोग एंजॉय करेंगे, वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हो। अब ये जो लिनी होता है ना उसकी तारीफ करने लगता है। अभी बंदा कह रहा था कि ई क्या क्या बोल रहे हो तुम, अरे सुनो वो मेरा मतलब नहीं था। अभी बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि लिन जो है साफ साफ इसे बोल रहा होता है कि तुम रुक जाओ। बट हम देखते हैं ये बंदा कहने लगता है कि डायरेक्टर लिन आपको ना मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का, ठीक है। अभी बंदा बहुत ज़्यादा इरीटेट टाइप का हो रहा होता है। बट हम देखते हैं इतने जो है पीछे से तीन चार गुंडे आ रहे होते हैं। अब भाई इन गुंडों को देख के अगर आप लोग को याद होगा ये वही गुंडा है जो पहले लिन को मारने के लिए आया होता है। फिलहाल ये वही बंदा होता है। अब वो जैसे ही आता है ना लिन जैसे पहचान जाता है और ये बंदा भी लिन को पहचान जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो डायरेक्टर वैंग होता है ना वो कह रहा था कि अरे मिस्टर गाओ आप यहाँ पर आप मतलब पर्सनली मेरे से मिलने क्यों आए, मुझे बता देते मैं आपसे मिलने आ जाता। ये बंदा बोल रहा था। बट हम देखते हैं ये बंदा जो है उसको देखता है डायरेक्टर ली को, वो कह रहा था कि अरे भाभी आप यहाँ पे क्या कर रही हो। अभी सीधा भाभी बोल देता है इसे। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा हंस रहा होता है, जो डॉक्टर वैंग होता है वो हंस रहा होता है, कह रहा था कि अरे अभी डायरेक्टर ली और मेरा तो कुछ चल ही नहीं रहा, मतलब अभी हम लोग का स्टार्ट तो हुआ ही नहीं तो आप इन्हें भाभी क्यों बुला रहे हो बताओ, मुझे शर्म आ रही है। मतलब ये बंदा अपने आप में ही कुछ लगा पड़ा है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था अरे तुम क्या पागल हो गए हो, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम्हारा दिमाग है भी ठीक या फिर नहीं। वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा था कि पूरा वैंगसेंग जो टर्मिनल है ना ये पूरा लिनी का है, तो तुम कैसे कह सकते हो ये तुम्हारी भाभी हुई। फिलहाल ये बंदा जैसे ही बोलता है ना ये बंदे की हालत ख़राब हो जाती, कह रहा था क्या क्या कहा तुमने, पूरा वैंगसेंग टर्मिनल इसका है, ओ माय गॉड, इसके मुंह बड़े बड़े हो जाते हैं। फिलहाल ये बंदा आता है, कह रहा था और नहीं था क्या, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ बताओ जरा। अभी बंदा मतलब डायरेक्टली इस बंदे से पूछ रहा होता है, इस बंदे की तो मतलब मुंह बंद हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो सायुड एक्टर होती है ना वो कह रही थी क्या क्या लिनी सच में इतना अमीर है, क्या वो अपने आप को छुपा रहा है, ओ माय गॉड। फिलहाल ये बंदी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। लिनी आता है, कह रहा था कि अरे यार तुम क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो भूल जाओ। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि चलो ठीक है जो मेरे यहाँ पे कलीग वगैरह है ना चलो उन लोगों को घुमाने के लिए मतलब बोट का इंतजाम करो, ठीक है। अभी लिनी जो है इससे बोल रहा होता है, कह रहा था कि घूमने का प्लान करो। फिलहाल ये बंदा खुश हो जाता है, कह रहा था कि हाँ ठीक है फिर आपके जो फ्रेंड वगैरह आए हैं तो हम उन लोगों को जो है बोट पे घुमाने के लिए चलते हैं। अब लिनी यहाँ पे मान जाता है, कह रहा था कि चलो ठीक है लेकिन तुम्हारा जो है इंटेंशन गुड होना चाहिए, ठीक है। अब लिनी इससे बोल रहा होता है, कह रहा था कि ठीक है फिर जो बोट का इंतजाम करो। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो बोट होती है ना वो आ चुकी होती है। अब भाई इतना बड़ा जो ये बोट तो नहीं है इसे सिप कहेंगे। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग सबके सब एक्साइटेड हो जाते हैं, कह रहा था कि वाह इतनी बड़ी सिप, अब बहुत ज़्यादा मजे कर रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं बोट जो होती है वो सिप मतलब बीच पर आती है। अब वहाँ पर जो सायु डॉक्टर डॉक्टर होती है ना वो कहने लगती है कि अरे डायरेक्टर वैंग आप मतलब हमारे साथ नहीं चलोगे बताओ जरा। अब वो उस बंदे से पूछ रही होती है लेकिन वो बंदा मतलब मुंह झुका के नीचे बैठा होता है, कह रहा था कि नहीं नहीं मैं थोड़ा बैग की रखवाली करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सब बता रहा होता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये लोग जो है सिप पे चले जा चुके होते हैं और भाई मतलब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे फूड वगैरह मतलब खाने पीने की चीज़ें लगी होती हैं और सबके सब मतलब डांस वगैरह कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय वगैरह
कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो जो डायरेक्टर ली होती है ना, वो मतलब बाहर की साइड आके मतलब खड़ी हो जाती है बोट पे। अब जैसे मतलब लड़की नहीं होती टाइटैनिक में, देखा होगा आप लोगों ने, फिलहाल ये यहाँ पे एंजॉय कर रही होती है वेदर का, मतलब मजे ले रही होती है। तभी हम देखते हैं लेनिन इसके पास आता है, कह रहा था कि तो तुम मतलब डाइव लगाना नहीं चाहोगी। वो इसे डाइव लगाने के लिए कह रहा था कि यहाँ पे ना इक्विपमेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो तुम मतलब चलो मेरे साथ। वो इससे कहने लगती, कह रही थी कि नहीं यार मेरे को मतलब मात्र स्विमिंग आती है, डाइव वगैरह नहीं करनी आती। अब लेनी कह रहा होता है कि अरे मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ बताओ जरा। अभी यहाँ पे थोड़ा इन लव दिखा रहा होता है, बट हम देखते हैं उसे जो है ड्रेस मतलब इक्विपमेंट वगैरह पहना देता है। फिलहाल ये लड़की बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और बहुत ज़्यादा थक मतलब डर रही होती है। फिर लेनी कह रहा होता है कि चलो तुम ठीक मतलब रेडी हो, वो कह रही होती है कि हाँ। तभी हम देखते हैं लेनी जो होता है इसका कमर वगैरह पेट वगैरह पकड़ लेता है और इसे मतलब पकड़ के नीचे ले जाता है। अब भाई साहब इसे देख के ना ये लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिलहाल ये लड़की बहुत ज़्यादा डर रही होती है यहाँ पे और मतलब कांप तो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे रिलैक्स रिलैक्स, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा हाथ पकड़ो यहाँ पे, मैं आराम से तुम्हें लेके जाऊँगा। अब भाई ये मतलब बंदा जो है एंजॉय कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, खैर तुम लोग समझ लो यार। फिलहाल हमें नीचे का मतलब सीन दिखाई देता है कि यहाँ पे छोटी वगैरह मछली होती है और यहाँ पे नीले हरे शैवाल वगैरह दिखाई देते हैं। अब लेनी मतलब वो जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है और लेनी को कस के पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं उसकी जो ब्रा होती है वो ओपन हो जाती है मतलब या फिर सडनली खुल जाती है। अब भाई ये देख के लेनी भी डर जाता है, वो लड़की बैठ जाती है, बट लक बाय चांस जो लेनी होता है वो उसे बांध देता है फिर से। फिलहाल ये लड़की खुश हो जाती है और मतलब यहाँ पे मतलब एंजॉय कर रहे होते हैं। अब यार यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, खैर कोई बात नहीं। फिलहाल ये लड़की बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये दोनों जो है बाहर निकलते हैं और एंजॉय करके आ चुके होते हैं। अब जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, वो जो सायु डॉक्टर होती है वो कह रही थी कि अरे डॉक्टर ने आपका मुंह जो है लाल क्यों हो रखा है। फिलहाल ये इससे पूछ रही होती है क्योंकि आप इसका जो मुंह है वो बहुत ज़्यादा ब्लस की वजह से लाल हो रहा होता है। अब ये कह रही होती है कि नहीं बस ऐसे ही मैं नर्वस हूँ ना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा रेड रेड हो रहा है। अब लेनी यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है क्योंकि भाई उसे पता है क्यों लाल हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो उससे कह रहा था कि चलो ठीक है, वो उस गुंडे से कह रहा था कि ठीक है फिर आज ना हम लोग को नाइट पर जाना है तो हम लोग जा रहे हैं। वो ये बोल के मतलब जाने लगता है। वो बंदा कह रहा था कि हाँ ठीक है आप ना फिर से आना फिर कभी। अब ये बोल के मतलब चले जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो वैंग होता है ना वो आगे कहता है, कह रहा था कि अरे वाह डायरेक्टर ली आप आ गई, वाह मतलब भाई दो बंदे और आ रहे हैं। उससे इस बंदे ने उन दोनों को नहीं कहा, सिर्फ डायरेक्टर ली को कहा। फिलहाल हम देखते हैं जो सायु डॉक्टर होती है वो कह रही थी कि वाह आपको पता है वैंग मतलब डायरेक्टर वैंग, लेन और जो ले है ना इन लोगों ने मतलब डाइव लगाई, इन लोगों का जो पेट है हाथ है मतलब एक दूसरे से टच था। अब यहाँ पे ये जो लड़की होती है जला रही होती है, इसे और कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं ये कह रहा था क्या क्या कहा तुमने, इससे अच्छा तुम मत कहती मेरे को, यहाँ पे इसके ऊपर बिजली गिर जाती है। अब लेनी कह रहा था कि तुम क्या चाहती हो यार कि ये जिंदा जिंदा मर जाए। अब यहाँ पे लेनी भी ये बेचारा इसे मतलब सहानुभूति दे रहा होता है और कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं जो डायरेक्टर ली होती है वो कह रही थी कि तो आज मैं और लेन जो है हम लोग जो है नाइट पर रहेंगे, बाकी तुम लोग जो है कल से आना ठीक है। अब वो इन लोगों को बोल रही होती है, कह रही थी कि तुम लोग घर जाओ रेस्ट करो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग जो है मतलब हॉस्पिटल आ चुके होते हैं क्योंकि इन लोगों की नाइट ड्यूटी होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों जो है नाइट ड्यूटी के लिए आ रहे होते हैं और इतने हम देखते हैं इनके पास जो है इसकी जो डायरेक्टर ली होती है ना उसके रिश्तेदार आ जाते हैं मतलब रिलेटिव। अब वो कह रही थी अरे अंकल वी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कह रही थी अरे वाह तुम मिल गई मेरे को वाह। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखो मैं तो डॉक्टर से मिलने के लिए आ रहा था और मतलब देखो अनएक्सपेक्टेड तो मैं एंट्रेंस पे ही मिल गई मतलब गेट पे ही मिल गई। फिलहाल हम देखते हैं वो आंटी आती, कह रही थी कि अरे वाह तुम मतलब यहाँ पर वाह, तो बताओ हॉस्पिटल में सब कैसे हैं ठीक है ना। वो कह रही थी कि तुम्हें ना मतलब सबसे बोलना चाहिए ठीक है। और वो अभी भी यहाँ पे ज्ञान दे रही होती है जो डायरेक्टर ली होती है, वो कह रही थी कि हाँ मैं जानती हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रही होती, कह रही थी कि देखो मैं इस हॉस्पिटल में ना सबको जानती हूँ, तुम बताओ मेरे को कि तुम्हें क्या करवाना है ताकि मैं तुम लोग को जो है अच्छा सा रिकमेंड कर सकूँ मतलब अच्छे डॉक्टर दिखा सकूँ। वो कह रही होती कि नहीं वैसे ऐसी बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो आंटी बता रही होती, कह रही थी कि देखो जो तुम्हारे अंकल है ना उनके जो दिल में मतलब अजीब सा दर्द होने लगता है इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल वो कहने लगती, कह रही थी कि देखो तुम्हारे फादर ने भी हमें बोला कि तुम जो है दिलों की डॉक्टर हो, तो हम सोच रहे कि हम तुमको ही दिखा दें। वो इससे पूछ रही और बता रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि तुम मतलब बताओ तुम डायरेक्टर हो ना या फिर डिप्टी डायरेक्टर हो। फिलहाल ये मतलब पूछ भी रही है इससे और मतलब शक भी कर रही है, फिलहाल मैं क्या ही बोलूँ। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों जो है यहाँ पे ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं मतलब जो डायरेक्टर ली होती है और वो जो लिन होता है, वो कह रही थी कि हाँ मैं अभी डायरेक्टर हूँ। वो कह लगता है कि अरे वाह फिर ठीक है, हम लोग को फालतू में चिंता कर रहे थे, हमें लगा कि अगर आप डिप्टी हुई तो फिर हम मतलब ना दिखाएं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे कि चलो ठीक है अब तुम डायरेक्टर हो तो फिर ठीक है हम तुम्हें दिखाएंगे। वो इससे चेकअप वगैरह करने के लिए कह रहा होता है, बट हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि अरे वाह किस टाइप के बंदे हैं यार ये, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे लेनी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, बट हम देखते हैं जो डायरेक्टर ली होती है ना वो थोड़ा कंफ्यूज होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो ठीक है फिर मैं ना तुम्हें बता देती हूँ कि मैं आज क्लिनिक पर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अच्छे से जो डॉक्टर है उन्हें दिखा दूंगी ठीक है। वो इससे मतलब मना कर रही होती, कह रही थी कि साफ साफ कि मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरे को कुछ काम है।
तभी हम देखते हैं वो अंकल जो है गुस्सा हो जाते हैं, कह रहे थे क्या आखिर माजरा क्या है बताओ जरा, तुम मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल में काम करते हो तो इसका मतलब तुम हमें पहचानने से मना कर दोगे क्योंकि हम लोग जो है गरीब हैं, बताओ जरा क्या चक्कर है। वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते। तभी हम देखते वो आंटी कह रही थी कि क्या तुम्हें याद भी है तुम्हारी फैमिली जब गरीब हुआ करती थी या फिर जब तुम छोटी थी तब हम लोग जो है तुम्हें आलू वगैरह और गोभी वगैरह सब देते थे, भूल गई क्या तुम हैं? अब तुम थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर मतलब तुम ये सब करोगी हमारे साथ? अभी यहाँ पर मतलब पुरानी कहानी मतलब उखाड़ रहे होते हैं और ये सब बता रहे होते। तभी हम देखते ये कह रही थी क्या क्या बोल रहे हो यार तुम, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है, मतलब करने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिर ठीक है मैं तुम लोग को देख लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है तुम मतलब ऐसे मत बोलो। फिलहाल वो कह रही होती है कि ठीक है मैं तुम्हें देख लूँगी। अब हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि अभी जो है टाइम पूरा नहीं हुआ। वो कह रहा होता है कि अभी हम भी डॉक्टर ही हैं। वो कह रहे हैं कि वो कहने लगते हैं कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं इन लोगों को जो है रजिस्टर के लिए भेज दिया जाता है रिसेप्शनिस्ट पे, और वो कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है नेक्स्ट तुम लोग जो है 306 में चले जाना। अब वो आता है कह रहा होता है क्या, वो कहने लगते हैं कि चलो तुम्हारे ना 84 युआन हो गए। वो कह रहा था क्या 84 युआन, अरे इतने महंगे क्यों रजिस्ट्रेशन के, इतने महंगे क्यों, मेरे पास तो मात्र 80 हैं। फिलहाल ये अंकल थोड़ा गुस्सा कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि इतना महंगा क्यों, ये हॉस्पिटल ही है ना, इतना महंगा क्या चल रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो उनकी बेटी होती कह रही थी कि अरे डैड क्या हो गया यहाँ पे, आजकल जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं इसीलिए, तो थोड़ा समझो। वो कहने लगता है कि चलो ठीक है फिर भूल जाता हूँ, चलो पहले रजिस्टर करवा लेता हूँ, बिजनेस इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम देखते हैं वो थोड़ा मतलब करवा लेते हैं जैसे तैसे करके। तभी हम देखते हैं जो डायरेक्टर ली होती है ना वो मतलब रेडी हो रही होती है और कहने लगता है कि चलो देखो लिनी सुनो मेरे को माफ़ कर देना, मतलब जो मेरे रिलेटिव है वो थोड़ा मतलब अजीब है। लिनी कह रहा था यार क्या हो गया, रिलेटिव ही तो है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं लिनी ऐसा बोल रहा था, कह रहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी जो डायरेक्टर ली होती है ना वो कह रहे थे कि चलो पहले इन लोगों से जो थोड़ा डील कर लिया जाए। लिनी कह रहा था कि हाँ ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं 306 का सीन दिखाई देता है, मतलब जो ये बंदे होते हैं ये आ चुके होते हैं ना दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह लेके। अब जो डॉक्टर ली होती है इनसे पूछ रही होती है कि तो बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। वो बताने लगता है कह रहा था कि देखो मेरे को मतलब पता नहीं कैसे अजीब सा दर्द होने लगता है दिल के अंदर। वो कहने लगता है कि जो मेरा हर्ट है वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगता है, कह रहा था कि मेरे हाथ में और गले में दर्द है। फिलहाल वो कह रहा था कि यहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील वगैरह हो रहा होता है। अब हम देखते हैं जो डॉक्टर ली होती है वो बता रही होती है, कह रही थी कि अच्छा तो ये जो तुम्हारे सिस्टम है ना मतलब सिम्टम है वो एंजिना के है। अब वो उस टाइप का बता रही होती, कह रही थी कि तो मुझे लगता है ना तुम्हें तो थोड़ी गांठ वगैरह हो गई है। वो कहने लगती है कि तुम ना 4th फ्लोर पे जाना, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होगा, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट फेज बताऊंगी कि क्या करना है। अब वो चिल्ला रहा था कह रहा था क्या तुम पागल हो गई हो, किस टाइप के डॉक्टर हो। फिलहाल वो बता रहा होता कह रहा था कि देखो पहले हमें फिर फालतू में पैसे क्यों लिए बताओ जरा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देता है, वो कहने लगता है कि देखो मेरे को नहीं पता, पहले वो कह रहे हैं कि अगर मैंने पैसे पे नहीं किए तो फिर हम दिखाने नहीं आ सकते, ये क्या माजरा है। फिलहाल ये सब यहाँ पे बता रहे होते हैं और ये लोग जो है सौगड़ जाते, कह रहे थे क्या। अब इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और हाँ यार आज की वीडियो बताना जरा कैसी लगी।